This is the moment when thousands of protesters pushed through police blockades and entered New Delhi, the Indian capital. The protesters, many of them farmers from the state of Punjab, had been held at the city's border for over 2 months after marching against a new farms bill that they say would end government price controls, paving the way for corporates to control the farming sector and open up farmers to harmful price fluctuations. What had started out as a tractor rally on India's Republic Day by the farmers to demand the rollback of the three farms bills soon turned into scenes of chaos. Many police personnel and protesters were injured. The farmers made it 40 kilometers to the city's historic Red Fort, an important symbolic move. But this wasn't the first time that the farmers had faced off with authorities. Back on November 27, 2020, the protesting farmers had made their first attempt to enter New Delhi. They were met with violence. But what is driving this anger towards the farms bills and the BJP-led central government? Vice News was on the ground at one of the thousands large protest encampments about 3 weeks before the farmers broke through into New Delhi to find out why. बाहर जाने का इतना शौक नहीं था मुझे था कि जो जितने भी मेरे गांव में मतलब पंजाब में गांव है ना वो मुझे एक एक गांव में जाके देखना है मतलब तो हर एक गांव से यहां पे ट्रॉलीज आई हुई हैं हर एक गांव के लोग आए हुए हैं कम से कम 13,500 गांव हैं पंजाब में तो उन्हें मतलब उनके पोस्टर देख के ही वहाँ पे अपने गांव का नाम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है मुझे तो वो देख के बहुत खुशी हो रही थी कि पूरा पंजाब यहाँ पे आया हुआ है मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं घूमना चाहती थी देखना चाहती थी तो मुझे यहाँ पे मिल गया जो हमारा बेसिकली जो हमारा काम है वो खेती का ही है और प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं ग्रेजुएट हो गया था तो उसके बाद काफ़ी ट्राई किया गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिला अभी जो ग्रेजुएट है उसको भी जॉब मिलना मुश्किल हो गया बंद ही कर दिया 2021 तक तो पंजाब में बोल दिया कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं और वैसे भी जो हमारी फार्मिंग है वो छोटी फार्मिंग है बड़ी नहीं है उसको जो बोलते हैं ना हम जो निमन खेती पंजाब में बोलते हैं ना उसमें आती है जो 1.5 एकड़ तक की आती है तो सीधी सिंपल सी बात है अपनी ज़मीन बचाने के लिए आया More than 86% of all farmers in India own land that is less than 2 hectares in size, even smaller than a FIFA-approved football field. Along with that, agriculture's contribution to India's GDP is also shrinking. It used to be 44% in 1960. Today, it stands at 16%. With earnings from agriculture steadily decreasing, small and marginal farmers who make up roughly 50 million households in India also end up being the targets of both hunger and starvation. India ranked at 94 out of 107 countries in the Global Hunger Index of 2020.
This is all true in a country that routinely boasts of a food surplus. अगर ये बिल वापस नहीं होते, मंडी खत्म होगी, मंडी के साथ हम भी खत्म होंगे। उसके बाद हमको कहाँ बेचना पड़ेगा? प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, धीरे धीरे तो कम दाम में बेचना पड़ेगा। कम दाम में बेचेंगे तो हमारी आमदनी कम हो जाएगी, खेती खत्म होना शुरू हो जाएगी। नाम किसान का होगा, खेती उनकी हो जाएगी। हम समझते हैं मिट्टी के बेटे हैं और मिट्टी में मरेंगे, ऐसा नहीं। हमारे अगर कोई मर भी जाता है ना हमारे वहाँ पे, तो हम उसकी अस्थियाँ बहाने के लिए नहीं लेके जाते, अपने खेत में एक कुआ खोदते हैं, नीचे उसकी अस्थियाँ डालते हैं, ऊपर मिट्टी डाल के ऊपर हम एक पेड़ लगा देते हैं। हम इमोशनली बहुत ज़बरदस्त बाउंड है ज़मीन के साथ। ये तो हमारी पूरी ज़मीन हड़पने को आ सकते हैं, ऐसे आसानी से नहीं मिले। ये मोदी जी से चैलेंज है, या तो इस पार होगा जो इस पार होगा, ऐसे ज़मीन नहीं जाएगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी पहले, है ना, तो उन्होंने उनका भी यही सिस्टम था। कॉरपोरेट्स वो व्यापार करने आए थे ना, लोगों से चीज़ें लेके खुद महंगा बेचते थे, बाहर ले जाते थे। तो ये वाले कॉरपोरेट्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं है, ये भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं। 1966 में हरी क्रांति के नाम पर लोगों को फसलें दी गई, जैसे पंजाब की फसल है वो चावल नहीं है, है ना, क्योंकि वहाँ पे इतना भी पानी नहीं है कि वो मतलब चावल उगा सके, तो पानी का लेवल नीचे चला गया है ना। उनको जो स्प्रे वगैरह खादें वगैरह डालने के लिए दी थी, कुदरती खेती को ख़राब कर दिया पंजाब की को, तो वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ना हरी क्रांति के नाम पे। जैसे मैं बठिंडा से हूँ, तो वहाँ पे कैंसर का एरिया है, वहाँ से कैंसर ट्रेन चलती है। पानी में प्रॉब्लम्स हैं, खाने में प्रॉब्लम्स हैं, हर बच्चे को वहाँ पे कितनी ज़्यादा मतलब वीट एलर्जी हो रही है पंजाब में, तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती ना? पहले खुद किसानों को वो चीज़ देती है, फिर बाद में उनसे हक भी छीन रही है ना, फिर अब ज़मीनें छीनने पर आ गई है। नहीं, मैं 27 तारीख को आया था, तो बीच में से मैं सिर्फ 3 दिन के लिए घर में गया हूँ। तब से काम की भी यहाँ पर जो एक्टिव मेंबर है ना, उनकी भी बड़ी ज़रूरत होती है। अभी यहाँ जो हमारे जो रहने के लिए प्रबंध है और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं हमारी जत्थेबंदी के, तो उनका सभी देखना पड़ता है, वो मेरी ड्यूटी है। पहले तो हम लोग 10-12 दिन बाहर ही सोते थे पेट्रोल पंप पर, ऐसे गद्दे डाल के। तो फिर जब बारिश हुआ, उसके बाद एक कॉल दे दी सभी ने कि जो यहाँ पे सेवा करना चाहता वो तरपाल वगैरह भेजे। तब से तरपाल ही तरपाल हो गई है, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। डबल डबल कंबल ले लो, रजाई ले लो, जो हमारे बुजुर्ग हैं सेवादार हैं, दूध वगैरह गर्म करके देते हैं। अगर कोई नौजवान टी शर्टें फिल रहा है तो उसको बोलते हैं बेटा तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसे नहीं ठंडी लग जाएगी, बड़ा प्यार है। पंजाब का इतिहास है हमारे, जहाँ से वहाँ छोटे से छोटा गुरुद्वारा भी है ना, उसमें भी जब से वो गुरुद्वारा बन गया वहाँ कभी खाना पीना नहीं बंद हुआ। यहाँ पर तो हमने पूरा पिंड बना लिया है। हम तो जैसे हरिमंदर साहब जाते हैं, अमृतसर में जाते हैं, हमारे लिए तो ये वो पवित्र स्थान बन गया है। ये सारा एक आंदोलन है, जैसे आज़ादी का आंदोलन था ना, वैसे ये किसानों का जो आंदोलन है वो मतलब हर एक लेवल पे है, हर एक स्टेट में है। तो ये सिर्फ पंजाब की बात करते हैं, क्यों पंजाब से नहीं डर लगता है? क्योंकि पंजाब के लोग हैं वो अपने हक के लिए बोलते हैं और हमेशा से बोलते आए हैं। पहली तो प्राप्ति हो गई कि पूरा पंजाब एकजुट होकर के खड़ा हो, उसमें कोई लेफ्ट नहीं है, कोई राइट नहीं है, कोई लिबरल नहीं है, कोई मिडिल क्लास वाला नहीं है, उनका सिर पे एक ही निशाना है, वो है सीधा इस सत्ता को चुनौती देना, और उन्होंने वो दी दिया और बहुत बाखूबी किया। दूसरा हासिल जो हो रहा है कि जो भारतवर्ष में जब तक से वो फांसीवाद के घोड़े पर बैठा हुआ है मोदी, वो समझ रहा था कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, वो हर किसी को लड़ताड़ता हुआ आ रहा था। अब जिस कोई भी पीड़ित था वो यहाँ पे एकत्र हो रहा है, उसको यहाँ से शक्ति मिल रही है, उनको मालूम पड़ रहा है कि कोई लोग हैं जो इस फांसीवादी हुकूमत को टक्कर दे सकते हैं। पिंड पत्तड़ कलां दे विच बैठ के नहीं सरना, छड़ने नहीं हक चाहे पै जाए सानू मरना, वो गल्लां कहनियां मनिंदर ने सचियां,
ते सच दे ही मुल पैंदे आ ओ पूरी दुनिया ते केव सरदारियां ताइयों सरदार कहिंदे।